हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.6। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। हर ट्रायंगल का हमें नाम देना है दो तरह से। फर्स्ट क्या होता है, उसके एंगल के बिहाफ पे, किस किस एंगल के हैं, उसमें कौन कौन से तीनों एंगल्स क्या है, और सेकेंड उसकी जो साइड्स है उनका क्या मेजरमेंट है। अब इसमें लिखा है यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। That means आपको कहीं पे भी स्केल से मेजर नहीं करना है। यहाँ पे तो हम कर ही नहीं सकते बोर्ड पे, बट आपकी बुक में भी जो है आपको उसको मेजर नहीं करना है, जो लिखा है उसी को मान के ऑब्जर्व करके और बताना है। जैसे यहाँ पे है, अब ये जरूरी नहीं है ये 8 सेंटीमीटर की ही दी हो बुक में और ये 5 की ही दी हो, या 8 है और ये 15 ऑलमोस्ट डबल, पर ये देखने में नहीं लग रहा है, बुक में भी नहीं लग रहा है, तो आपको कुछ भी मेजर नहीं करना है, जो लिखा है उसी बिहाफ पे बताना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो अब ये देखिए, इसमें आपको देखने से पता चल रहा है कोई भी राइट एंगल नहीं है, सब राइट एंगल से छोटे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट एंगल्ड। अब नेक्स्ट वे क्या होगा इसका, सभी क्या है साइड्स अलग अलग है, नहीं, दो साइड्स इक्वल है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस। ये हमारे दो तरीके हो गए इसके और लिखने के, ट्रायंगल के टू वेज। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें हमें साफ दिख रहा है ये क्या है, राइट एंगल। तो पहला तरीका क्या हो गया, राइट एंगल, राइट एंगल। एंड सेकेंड, अब ये तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ये 17, 15, 8, तो क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट, इसमें एक दिख रहा है ये राइट एंगल से बड़ा है, ये एंगल राइट एंगल होता तो क्या होता, ये परपेंडिकुलर लाइन होती ऊपर, पर ये इससे बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल्ड। ऑब्ट्यूस एंगल्ड। एंड सेकेंड, इसमें क्या है, ये दोनों ही 7 सेंटीमीटर है, इक्वल है, तो दो साइड्स इक्वल हो गई, दैट मींस आइसोसेलेस। ये हमारे सभी के दो वेज हो गए, टू वेज हो गए लिखने के ट्रायंगल के नाम। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें एक राइट एंगल दिख रहा है हमें, ये वाला की राइट एंगल है और दो साइड्स इक्वल है, राइट एंगल है, तो क्या नाम हो गया इसका, राइट एंगल्ड। और नेक्स्ट, दो साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट, इसमें तीनों साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं और सारे एंगल जो भी हैं ये सब क्या दिख रहे हैं, 90 से छोटे हैं, और वैसे भी अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और कितने होंगे एंगल का, 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री का होगा, तो ये सभी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो क्या नाम हो गया ट्रायंगल का, एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और क्या हो गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। लास्ट पार्ट, अब इसे तीनों साइड्स अलग अलग दिख रही है हमें, दैट मींस स्केलर, और ये वाला एंगल क्या दिख रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये यहां पे अप्रोक्स 90 का एंगल बनेगा, तो क्या हो गया, ऑब्ट्यूस्ड एंगल। ऑब्ट्यूस्ड एंगल और स्केलर ट्रायंगल।
से भी आपको काफी क्लियर हुआ होगा कि एंगल्स के जो ट्रायंगल होते हैं उनका नाम हम कैसे रखते हैं।